तो गाइस इससे मिलो, ये हमारा न्यू फ्रेंड। सुसु करता था बस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं, फिलहाल मैं उठ गया बिकॉज आज मेरे को जाना है दिल्ली अपनी थार लेने के लिए। फाइनली हमारी थार रेडी हो चुकी है, आज की डिलीवरी लेंगे और देखेंगे किस तरह की मॉडिफिकेशन हुई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो चलो जल्दी से नहाता हूँ और फिर चलते हैं दिल्ली और लेके आते हैं अपनी थार दिल्ली से। मैं तो बहुत एक्साइटेड यार, पता नहीं कैसी हो रही होगी यार, कैसी बनी होगी थार। आई होप आप भी एक्साइटेड हो गए। तो अभी तो 4 बज रहे हैं, 5 बजे तक रेडी होते हैं, 5 बजे निकलेंगे और फिर 10 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। फिर 11 बजे तक डिलीवरी लेके फिर मेरे को जाना है टैग बर्नर भाई के पास भी, जाना है श्लोक भाई के पास, कुछ काम है। फिर वहाँ से थार लेके हमको आज ही वापस आना है हल्द्वानी, इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ बिकॉज आज ही वापस आना है ना। तो भी गाइस 5 बज गए हैं और हम मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, तो चलते हैं अब। हमने कैब मंगाई है तो कैब में जाएंगे, क्योंकि थार तो लेके आने ना, तो यहाँ से कैब में जाएंगे, आते हुए थार में आएंगे अपनी। मैं और निर्मल भैया जा रहे हैं बस, चलो। तो अभी तो गाइस अंधेरे हो रहा है, कोई भी नहीं उठा फिलहाल, मैं वेट कर रहा हूँ कैब का, कैब आएगी फिर चलते हैं सीधा। लेकिन और ही उठ गया सुबह सुबह मस्त, ये तो उठ जाता है कभी भी। तो गाइस कैब तो आ गई, मम्मी पापा को बाय बोलते हैं एक बार। जा रहा हूँ मम्मी, कैब आ गई, जा रहा हूँ मैं, बाय। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। सो जाओ सो जाओ, गुड नाइट, ओके गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। भाई अभी कोई भी नहीं उठा और मैं जा रहा हूँ, तो कैब आ गई है, अब चलते हैं चलो। तो भी गाइस मस्त सुबह सुबह निकल पड़े हैं और साथ में हमारे जिया जी भी आज, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम गुड़गांव और लेते हैं अपनी थार। तो फाइनली गाइस पहुंचने वाले 10-15 मिनट में, तो फाइनली पहुंच चुके हैं, तो चलो अब चलते हैं अपनी थार देखने के लिए। तो फाइनली गाइस ये है अपनी थार रेडी हो चुकी है, ऊपर देखो मस्त लग रहा है टेंट, अभी ऐसे ही रहेगा। चलो बाकी अच्छे से बाद में दिखाऊंगा, हल्द्वानी जाके दिखाऊंगा अच्छे से, फिलहाल तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं हम। अभी गिरते गिरते बचाऊ मैं, फिलहाल पेमेंट करते हैं और चलते हैं थार लेके। अब मेरे को जाना है टैग बर्नर श्लोक भाई के पास में। चलो भाई फाइनल सब कुछ हो चुका है। तो भी गाइस निकल गए अपनी मॉडिफाइड थार को लेके, और भाई थोड़ी भारी, मतलब 100 किलो वजन बढ़ गया इसका। वो टेंट पता है 80 किलो का टेंट है और बाकी और माउंटिंग वाउंटिंग, लेकिन कैंपिंग में मजा आएगा भाई, टेंट में तो एक्साइटेड हूं भाई इसको लेके जाने के लिए अब। और भाई दिन के 2 बज चुके, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, सुबह भी कुछ खा के नहीं आए थे तो बहुत भूख भी लग रही है, तो वहीं टैग बर्नर के पास जाके खाएंगे। पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, पहले पार्किंग देखनी पड़ेगी। तो फाइनली गाड़ी पार्क कर दी है जैसे जैसे हमने, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस आज देखते हैं क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलते हैं टैग बर्नर के स्टूडियो में, जब भी जाता है ना कुछ नया नया देखने को मिलता है। तो गाइस आते ही सबसे पहला काम खाना, तो हम खाना पेल रहे हैं। और ये भाई भिंडी ज्यादा बड़ी, भाई तो अपने घर से लेके आते हैं देखो, और हम हमारे लिए देखो और खुद के लिए देखो यार, यार दिखने में अच्छा लगता है, खाने में ज्यादा बढ़िया। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है मस्त, तो अब हम लगाएंगे स्किन्स। ये वाली 2 फोन है भाई के पास, एक को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्किन लगानी। हाँ। तो अभी इसमें भी लगाएंगे, फिलहाल अभी 14 प्रो में लगाते हैं, तो आप ही लगाओगे? हाँ मैं ही लगा दूँ, ये वाला पसंद आ रहा है तेरे को? मेरे को तो ये वाला पसंद आया था यार, ये वाला सॉरी यार नहीं है, कॉपी हो जाएगा। लगा दो फिर दोनों भाई के सेम हो जाएगा ना। गाइस मेरे को तो ये वाला चाहिए था। ये फोन भी ले सकते, फोन ले। गाइस ये फोन पता है किसका है, इसमें क्या क्या मिलेगा समझ जाओ गाइस, क्या क्या होगा ना। अब तो ये बेटर लग रही है। तो गाइस एक पे तो लगवा लिया, अब इसकी बारी है 13 प्रो, तो अब इनमें से एक चूज करते हैं 13 प्रो के लिए, इस वाले के लिए। मैं सारे ले लूं? हां भाई सारे ले लो। हां ले लूं पक्का? ये लो तीन ले ले। तो 4 ना आपका ना मेरा, 4 मजाक कर रहा हूं, एक ही लूंगा, टेंशन मतलब एक ही लूंगा। चलो यही लगा दो। तो भी गाइस इसमें भी लग गया है और इसमें भी लग गया है। ओ यार भाई सही लग रहा है भाई, ये तो क्या ही रिकॉर्डिंग, ये स्टाइल मेरे को भी सीखना पड़ेगा। अरे मैं तो ये फूल पत्ती वाला लगाऊंगा, मुझे जंगल पसंद है ना। मैकबुक पे भी लगवा ही लेते हैं, ये सही साइज है। सबसे पहले मेरे लैपटॉप पे आ जाएगी भाई। तो गाइस श्लोक भाई कह रहे कि ये डिजाइन बेकार है, ये डिजाइन हम डिसकंटिन्यू करने वाले क्योंकि बिक नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहे आप ये, मतलब क्या क्या खराबी है इसमें, इतना अच्छा लग रहा है। देखो मैंने अपने मैकबुक पे लगाया फूल पत्तियां, कितना नेचर वाला फील आ रहा है इसमें। देखो हल्द्वानी में पेड़ ज्यादा है, दिल्ली में कम है पेड़। देखो इस तरह से खोलूंगा मैं, जंगल के बीच में पत्तियां दिखेंगी। तो गाइस यहां पे देखो ज्वालक, इसमें से ना एक मैंने बनाया था, ये वाला, ये के मैंने बनाया था। तो गाइस ये है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे छोटा लैपटॉप, लेकिन बड़ा लग रहा है यार वीडियो में, फिर भी बड़ा लग रहा है, लेकिन काफी छोटा सा है, मतलब इस साइज में इससे पावरफुल और कोई लैपटॉप नहीं। ओ भाई ये नीचे क्यों जा रहा है, इतना ही चलता है।
आज सौरभ भाई को दिखाएंगे 4 इंच का फोन और 8 फुट का आईफोन। ये आईफोन है? नहीं ये आईफोन नहीं है यार, ये वीडियो में लग नहीं रहा लेकिन है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा था, उंगली के बराबर है। हाँ ये देखो, एक उंगली के बराबर है। अब एक छोटा वाला दिखा, अब बड़ा वाला दिखाएंगे 8 फुट का। वही बहुत क्यूट लग रहा है यार, इसमें सिम डलता है? सिम डलता है, सब कुछ डलता है भाई। कितना मस्त लग रहा है, देखो छोटा सा फोन भाई। यहाँ चेस वेस खेलते हो क्या? ओ भाई ये क्या है? ओ भाई भाई ये तो मस्त लग रहा है यार। तो भाई स्पेस है आपके सामने, देखो मेरे हाइट के बराबर ऑलमोस्ट, मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है इससे बस। अरे एक्चुअली चलता भी है ये, चलता भी है। हाँ ये आईफोन चलता भी है भाई, मस्त लग रहा है। एप्पल वाले बुला लेंगे आपको, इससे ब्लॉग करो भाई। करें क्या? उठेगा भाई? मेरे से तो नहीं उठता। गाइस में बटन सब है, देखो इसे कैमरा देखो भाई, पूरे फोन से बड़ा कैमरा इसका। डॉगी दिखाऊंगा एआई वाला। तो गाइस श्लोक भाई के स्टूडियो में एक डॉगी भी है। ओलू, अरे वाह, अरे वाह, वो पूछ भी ला रहे हैं। पूछ भी ला था, इसको प्यार करे थे, ऐसे से प्यार करे थे। ओलू, मना कर रहे हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्यार कर सकते हैं। ओ भाई, ये आप ही को देख रहा है। इसको ओरियो के पास ले जाओ भाई। हाँ भाई, ओरियो कंफ्यूज हो जाएगा, ओरियो डर जाता। अरे हमने एक डॉगी के पास लेके गए थे इसको। हाँ। तो ना डॉगी इसके ना पीछे आके सूंघने लगा। आजा। तो गाइस इससे मिलो, ये हमारा न्यू फ्रेंड। सुसु करता था बस। टाइगर क्या हुआ? थक जाता तो बैठ जाता हूँ भाई, सो भी स्टाइल से रहा है। रोबोट स्पाइडर, हर चीज के रोबोट ले रखे आपने। टेक वाली चीजें ही रखते हैं यार। मैं भी इंसान नहीं हूँ, मेरे भी अंदर तारे ये निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। गाइज यहाँ पे आ गए तो लगता है कि रोबोट की दुनिया में आ गए हम। तो गाइज सब कुछ हो चुका है, बातें कर ली हमने, मस्त नए नए गैजेट्स भी देख लिए। तो अब चलते हैं भाई को अपनी थार दिखाते हैं। भाई सही बना दिया भाई थार को तुम। अरे कभी वहाँ पे आना, हल्द्वानी आना, वहाँ पे दिखाऊंगा, जंगल चलेंगे मस्त। तो गाइज भाई को थार भी दिखा दिए, तो चलो अब चलते हैं। ठीक है अब चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। तो भी गाइज टैग बर्नर के स्टूडियो से निकल चुके हैं, अब चलते हैं सीधा हल्द्वानी। और शाम के 7 बज चुके हैं भाई, तो हम रात को पहुंचेंगे अराउंड 12-1 बजे तक हल्द्वानी। लेकिन थार मिल चुकी है, टैग बर्नर से मिल लिया, और काफी नेक्स्ट लेवल चीजें। देखो भाई फोन देखा, इतना बड़ा वाला आईफोन। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ से लेंगे 5.5 घंटे, हम रात को अराउंड 1 बजे तक पहुंचेंगे। देखो 260 किलोमीटर है, लेकिन मजा आ रहा है अपनी न्यू थार चलाने में, मतलब न्यू थार लग रही है मेरे को ये चलाने में। तो भी गाइस रात के 9 बज चुके हैं, फिलहाल रुके हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे रुकते हैं, हमको सब्सक्राइबर मिले। ये दिखा, पता क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं सारे ब्लॉग्स फॉलो कह रहे हैं कि मैं सारे ब्लॉग देखता हूँ भाई, सारे, मतलब एक ब्लॉग भी नहीं छोड़ रहा भाई, एक ब्लॉग भी नहीं है। मुझे आप बहुत पसंद हो, एंड क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती मुझे आपसे, एक मतलब लगता है यार बंदा नेचुरल है। तो अभी हम रुके हैं बीकानेर वाला, चलते हैं इसके अंदर। गाइस हम सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं, और जो थक गया ना भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ डोले जा रहे हैं हम। गाइस आज तो भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, तो हमने मंगाए मस्त राजमा चावल, तो राजमा चावल खाएंगे और फिर चलेंगे। तो मैं राजमा चावल आ गया, देखो चावल ये मस्त राजमा, मस्त पेट भर गया। अब चलते हैं सीधा हल्द्वानी भाई, अब नींद नहीं आनी चाहिए बस। जान तो क्या नाम है मेरा? तो फिलहाल चाय पीते हैं भाई, नींद नहीं आनी चाहिए, बहुत ड्राइव करना है अभी। चलो गाइस खाना पीना हो चुका है, और पूरे 10 बज गए, अब चलते हैं सीधा। तो भी गाइस रुके यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल खत्म हो गया था, तो पेट्रोल फुल कराते हैं और चलते हैं। देखो क्या मस्त लग रही है यार। तो गाइस यहाँ से दिखा रहे 3 घंटे और है भाई, तो मस्त भजन चलाते हैं। निर्मल भैया को ड्रॉप कर दिया, ओके गुड नाइट। गाइस रात के 1 बज गए, अब पहुंचे हल्द्वानी, अब चलते हैं अपने घर, चलो। तो भी गाइस रात के 1:15 हो चुके हैं, फिलहाल मैं अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका हूं, और थार मैंने थोड़ी दूर खड़ी कर दिया ताकि घर वाले देख ना सकें। तो मैं घर वालों को कल दिखाऊंगा थार, पीयूष कुनाली मम्मी पापा साहिल सबको, और आपको भी अच्छे से कल ही दिखाऊंगा मैं। हम सुबह 5 बजे निकले थे और 1 बजे रात को घर पहुंचाऊंगा, देख लो भाई पूरे 21 घंटे के बाद। भाई ये भी सोच रहे सौरदा पूरा दिन कहाँ गायब थे, है ना। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ गाइस, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, एंड फैमिली रिएक्शन देखते हैं क्या थार पे, थार के ट्रेंड पे कैसा रहता है भाई, आपको कल दिखाऊंगा अच्छे से। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बहुत स्पेस है, घुस गया नीचे। ओ भाई ये तो नीचे, ओए आराम से आराम से।